शहीद भगत सिंह नौजवान सभा अजमेर के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सतत कार्यक्रम के तहत 15 अगस्त को आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम जश्न ए आजादी और राष्ट्र रक्षा संकल्प वाहन रैली से पूर्व मंगलवार को सुबह 8 बजे आनंद सागर रीजनल कॉलेज चौपाटी पर और उसके आसपास के क्षेत्रों में संस्था द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत लगाए गए पेड़ों को ट्री गार्ड द्वारा संरक्षित किया गया, साथ ही उनका आगामी 3 साल तक पालन पोषण संस्था द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम में अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी, दक्षिण विधायक अनीता बदेल, नगर निगम के महापौर धर्मेंद्र गहलोत, सीईओ नगर निगम चिन्मय गोपाल सहित शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को संस्था द्वारा सुरक्षित युवा सुरक्षित राष्ट्र के संदेश के साथ 5555 हेलमेट निःशुल्क बांटे जाएंगे। शहीद भगत सिंह नौजवान सभा की ओर से और साथ साथ ही सामाजिक रूप से सरोकार रखने वाले प्रतिष्ठित समाज सेवियों की तरफ से यहाँ आज 100 बड़े साइज के पेड़ों को लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी शुरुआत अभी आपके सामने की गई है। इसमें ये पूरी ग्रीन बेल्ट की तरह ग्रीन पट्टी बन जाएगी यहाँ, जिस हिसाब से ही पेड़ और सर्वाइव हो जाते हैं ना आगे चल के यहाँ घूमने वालों के लिए, क्योंकि चौपाटी है यहाँ सुबह शाम प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक के लिए प्राय समाज के लोग ये अजमेर के लोग आते रहते हैं, इसलिए उनके लिए स्वस्थ और अच्छा वातावरण यहाँ मिले हरा भरा, इसलिए ये पेड़ नौजवान सभा की ओर से और सामाजिक सरोकार रखने वाले सभी प्रतिष्ठित व्यापारियों की ओर से रियल स्टेट की ओर से लगाए जा रहे हैं और इसमें नगर निगम का भी पूरी तरीके से सहयोग किया जा रहा है और इसके बाद ग्रीन अजमेर और क्लीन अजमेर की जो मुहिम चलाई जा रही है उसको भी आगे बढ़ने में सहयोग। शहीद भगत सिंह नौजवान सभा अजमेर द्वारा आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत अजमेर शहर में को संपूर्ण रूप से हरा भरा करने का एक प्रण लिया गया है, जिसकी आज यहां से शुरुआत की गई है। आज हम चौपाटी पर 53 पेड़ लगा रहे हैं, जिसको लगा ही नहीं रहे हैं, साथ में हम उसको अगले 3 वर्ष तक डेवलप भी करेंगे। इसमें अजमेर शहर में जिस भी कोने पे जहाँ पे भी मतलब पेड़ नहीं है वहां तक जब तक ये पेड़ नहीं लग जाएंगे, जब तक संस्था इस कार्यक्रम को अनवरत जारी रखेगी। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें। We'll be right back.